मैं रितु आप सभी यूट्यूब दोस्तों का अपने चैनल गृहिणी की नौकरी में एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं आज मैं पके हुए आम से दो डेजर्ट बनाने वाली हूं उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम ही हैं पर इनका जो डिज़ाइन है जो कलर है वो थोड़ा सा फ़र्क है तो ये एक लड्डू है और दूसरी बर्फी है और ख़ास बात ये है कि दोनों स्टफ्ड है और दोनों का जो स्टफिंग का जो मटेरियल है ना जो इंग्रेडिएंट्स है उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है आप उस स्टफ़िंग्स को बहुत जगह में यूज़ कर सकते हैं अब मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट की हूँ आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं सिर्फ आप किशमिश इसमें ना लें अब मैं सिरप बनाऊँगी सिरप बनाने के लिए मैं क्या करूँगी तीन चौथाई कप चीनी ले रही हूँ मैं वही कप रखूँगी सभी दूसरे इन्ग्रीडियंट्स को मैं जट करने के लिए अब मैं उसमें आधा कप जो है सेम कप से पानी ले रही हूँ और यदि आप इसमें कुछ एसेंस मिलाना चाहें तो आप रोस् रोज़ के रोज वाटर का एक दो ड्रॉप डाल दे ज़्यादा ना डालें उसके बाद जो मैंने रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स को उसको मैं रफली पाउडर की हूँ ताकि जब वो उसके जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो मुंह में जाए तो वो काफ़ी अच्छा लगे और उसी में अब मैं सेम कप से आधा कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा इसमें थोड़ा सा आ, आ, ये जैसे आप कोई चीज़ चबाते हैं निक्लियर्स और वो आपके दांत में चिपकता है ना तो उसी तरह से इसमें आपको टेस्ट आएगा और वो दाँत दाँत में चिपकेगा तो वो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में इसे ज़्यादा पकाना नहीं है इसे दो से तीन मिनट ही हमें बस पानी सूख जाए तब तक ही इसे चलाना है बस गैस को ऑफ कर देना है याद रखें पूरे प्रोसेस में गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है हाई नहीं करना है अब इसमें इसे हल्का ठंडा होने के बाद डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा मिलाएं आप उसे आधा कप पहले लें और उसे मिला के देखें यदि आपको और ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा और मिला दें अब लड्डू और बर्फी बनाने के लिए एक स्टेप आगे चलती हूँ अब मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध ली हूँ जो कि चार कप है इसे तब तक मैं बॉईल करूँगी जब तक ये घट के तीन चौथाई ना बच जाए यानी कि तीन कप ना बच जाए और अब मैं यहाँ पे देखिए दो पके हुए आम ली हूँ दोनों आम जो है बहुत ही टेस्टी है इसे भी मैं रफली काट के बस इसे जार में डाल के और इसे पेस्ट बना लूँगी आप इसे चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह का मैं ले ली हूँ तो ये वजन में कम से कम 200 ग्राम तो होंगे ही या 250 ग्राम भी हो सकते हैं अब दूध को उबाल उबाल के मैं कम कर ली हूँ तीन कप और उसमें ये आम को आम के जो पल्प है उसे डाल दी हूँ यदि आप दूध को और गाढ़ा करना चाहें तो आप इसे और भी गाढ़ा कर सकते हैं आप इसे जितना गाढ़ा करेंगे ये उतना ही टेस्टी होने वाला है अब इसमें मैं नारियल का बुरादा ऐड करूँगी तो आप क्या करें मैं आपको एक बात बताती हूँ आप एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के चक्कर में जो है कप से डालते ना रहें आप क्या करें पहले दो या तीन कप डाल दें उसे मिलाएं पकाएं थोड़ा दो तीन मिनट यदि आपको लगे कि और ज़रूरत हो तो बाद में आप और मिलाएँ थोड़ा मैं सैफ्रॉन दस पंद्रह मिला दी हूँ ये कोई एसेंशियल नहीं है आप चाहें तो मिलाएं नहीं चाहें तो नहीं मिलाएं इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है अब चीनी जो है चीनी की मात्रा का यदि आप तीन कप दूध आपका बचा है तो आप टू कप चीनी डालें या फिर पहले आप दो कप ही डालें और टेस्ट कर लें यदि आपको लगे कि नहीं थोड़ा और मीठा चाहिए तो आप डाल लें यह मीठा जो होता है ना स्वीट अपने अपने हिसाब से तक किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को मिठाई थोड़ी कम मीठी पसंद होती है और अब हम इसे पकाएंगे अब गैस के फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ इसमें जो दूध है ना और एक्स्ट्रा जूस है आम का उन सभी को सुखा देती हूँ अब गैस ऑफ करने के पहले इसमें जो है एक चम्मच में घी डाल दूँगी ताकि इसका जो स्वाद है एक स्टेप बढ़ जाए और उसमें जो लड्डू और बर्फ़ी है दोनों में काफ़ी चमक का आ जाएगा बहुत शाइन आ जाएगा एक स्टेप और बढ़ाती हूँ इसमें क्या करना है मिल्क पाउडर मिला देती हूँ मैं तीन चौथाई कप इससे जो स्वाद है वो एक स्टेप और बढ़ गया तो मतलब थोड़े थोड़े चीज़ मिला के स्वाद बढ़ता है यदि आप मेरे चैनल पर दोबारा आना चाहते हैं तो ये लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है ना उसे आप दबा दें जब आप उसे दबाएंगे तो आपको काला हो जाएगा ये सब्सक्राइब लाल से काला हो जाएगा और बगल में एक घंटी मिलेगी आपको जब आप उस घंटी को दबाएंगे तो आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा और आपको वो ऑल दबाना है तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी यहाँ पर दूध और आम का जूस दोनों सूख चुका है और ये बिल्कुल तैयार है तो अब इसे क्या करना है ठंडा होने के लिए छोड़ देना है तब तक मैं एक केक को मोल्ड को ग्रीस कर लेती हूँ या फिर आप ऐसा करें कोई थाली ले लें जिस जिसमें कि आसानी से ये जल्दी से ठंडा हो सके इसमें मैं केक का ही मोल्ड ली हूँ और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स फैला दी हूँ और जो स्टफिंग तैयार की थी ना वो स्टफिंग भी फैला दी हूँ और किशमिश अब डालना है मैंने कहा था ना उसमें फ्राई रोस्ट नहीं करना है तो किशमिश को आप अभी डालें और ऊपर फिर से वो एक लेयर डाल दे आपको पता है दो आम और आधा लीटर दूध से आप कम से कम बीस बना सकते हैं बीस लड्डू बना सकते हैं या फिर दस बारह लड्डू और दस बारह बर्फ़ी बना सकते हैं ये जो बर्फ़ी है ना यहाँ पर मैं बारह निकालूँगी और लड्डू भी मैं शायद बारह ही बनाऊँगी तो आ, मतलब दो आम से आप देखिए कि कितना वैराइटी बन चुका है और कितना नंबर जो है उसका वो भी काफ़ी है आप तो दस बारह लोगों को आराम से खिला सकते हैं दोनों चीज़ और आ, अब देखिए मैं आपको एक आसान सा टिप्स बताती हूँ कि लड्डू कैसे बनानी है बहुत लोग कहेंगे सोचेंगे कि लड्डू तो गोल होगी नहीं ये इतना सॉफ्ट है मैं बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा ये लेना है आम और बुरादा का जो मिक्सचर है उसे थोड़ा सा लेना है हथेली पर इस तरह से आप उसमें थोड़ा सा गड्ढा करें और उसमें स्टफिंग्स डालें यहाँ पर मैं थोड़ा सा किशमिश भी लूँगी क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश तो डाला ही नहीं है नहीं तो वो जल जाएगा और टेस्ट बिगड़ जाएगा सभी लड्डू का तो अब इस समय आप इसमें किशमिश को या तो उस साबुत डालें या तो उसे कट करके भी डाल सकते हैं ये क्या की क्यों मैं इसे आ, उसके बीच में रख दी हूँ और ऊपर से फिर से थोड़ा सा मिक्सचर ली हूँ और उसे थोड़ा गोल करूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से डाल के उसे दबा दी और अब देखिए चारों तरफ से उसे मैं इस तरह से गोल गोल करके ऊपर उंगली से दबाते हुए गोल कर दी और अब हथेली की मदद से इसे पूरी तरह से इस तरह से मिला के गोल कर दूंगी तो ये देखिए परफेक्ट लड्डू बन गया जो नहीं भी बनाना जानते हैं ना वो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमें आती नहीं है ये देखिए आप भी ऐसे बना सकते हैं लड्डू बनाने में ही थोड़ा सा मेहनत है बाकी बर्फ़ी तो आसान है बर्फ़ी को आप स्क्वायर सेप में भी काट सकते हैं या फिर आप काजू कतली के शेप में भी काट सकते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ नई रेसिपी या टिप्स या कुछ हैक्स के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय